तो यारो कैसे हो? पता है मुझे, तुम लोग सोचो कि मैं कहाँ था। मैं कहीं नहीं था, बस थोड़ा बीमार था। और कोरोना नहीं था मेरे को, बस थोड़ी सर्दी खांसी थी और स्मेल चली गई थी, बस और कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, आई एम बैक। तो अभी चल रहा है अप्रैल का महीना, लेकिन इस अप्रैल के महीने में इतना कुछ हो जाएगा लोगों ने सोचा नहीं था। मतलब इतना मुश्किल समय चल रहा है भारत में जिसका बयान ही किया जा सकता। क्योंकि इसके पहले जो 4-5 महीने थे, हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और इस तरह से केसेस अभी आ रहे हैं, भारत उसके लिए रेडी नहीं था। पर चलो इन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये मीडियम इतना ज़्यादा चल रहा है और इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है लोगों के अंदर, बयान नहीं कर सकते। तो चलो बात यहाँ पर यह है कि इस कोरोना के सिचुएशन में अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि वापस से वही लाइफ हो चुकी है। हम लोग सब कोई घर में बंद है और बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई की तो पॉइंट ये कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहला बात है कि जो हमारे माइंड में फियर और नेगेटिविटी चल रही, उस नेगेटिविटी और फियर को सबसे पहले हटाना होगा। क्योंकि अगर हम लोग को कुछ करना है तो पहले हम लोग को कुछ डर से डील करना होगा। क्योंकि अगर हम डर से डील नहीं करेंगे तो शायद कुछ और नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को किसी पॉजिटिव जगह पर फोकस करें। तो नंबर 1 है योगा। मैं अपने अंदरूनी बात बताता हूँ। कुछ दिन पहले जब मैं बीमार था और मुझे 102 डिग्री बुखार लगातार आ रही थी, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था कि मैं इस चीज़ को किस तरह से डील करूँ। ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। बट अचानक से मेरे को थॉट यही आया कि जब मैं दवाई खाता हूँ तो मैं ठीक रहता हूँ, और फिर दवाई का असर जब ख़त्म होता है तो फिर वापस से मेरे को फीवर आ जाता है। तो जिस टाइम ड्यूरेशन में मेरे को फीवर नहीं आता, उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में कुछ अच्छा तो हो सकता है। एंड वहाँ पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं योगा करूँगा। योगा स्टार्ट करने के 2 दिन के अंदर अंदर मैं पूरी तरह ठीक हो गया, मेंटली फिजिकली दोनों तरह से। योगा को लेकर के 2 बेनिफिट है, मेंटली फिजिकली। एक तो सबसे पहले, अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, योगा आपके माइंड के नेगेटिविटी को पूरी तरह से हटाता है। क्योंकि आप डीप ब्रेथ लेते हो, आप ये सोचते हो कि नहीं ठीक है, अभी लाइफ मुश्किल चल रही है लेकिन डील कर लेंगे हम लोग। नेचर की यही खूबसूरती है और ये आपको योगा देता है। उसके साथ साथ फिजिकल बेनिफिट ये है कि अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या आप चाहते हो कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम फ्यूचर में कभी ना हो, तो आप योगा ज़रूर करिए। क्योंकि योगा का कारण क्या होता है कि आप जितना डीप ब्रेथ लेते हो, आपके बॉडी को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है और उससे आपका बॉडी बिल्कुल ही फिट रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप योगा करो। अगर आपको पता नहीं कि आपको किस तरह का योगा करना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इजी योगा है और आप आराम से कर सकते हो, तो लिंक जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा योगा से रिलेटेड। नंबर 2, ऑनलाइन कोर्सेज। लॉकडाउन की सिचुएशन में जिस सेक्टर का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है एजुकेशन सेक्टर। सभी का पढ़ाई इस लेवल का ख़राब हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। बट चलो कोई बात नहीं, पर यहाँ पर बात यह है कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हमारे पास फ़ोन है, लैपटॉप है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कुछ सीख सकते हैं? तो ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है जो कि हम लोग सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज इतने सारे अवेलेबल हैं, इतने सारे ऐप्स हैं, ट्राई कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, ऐसे कई सारे कोर्सेज हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं और उन चीज़ों को सीख सकते हैं। देखो, अगर पिछले साल तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो इस साल एक बहुत अच्छा मौका है कि फिर से कुछ नया ट्राई करने का। नंबर 3, कुकिंग। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में काम आए। देखो, कुकिंग ऐसा चीज़ है जो आई फील कि लड़कों लोग को ना आनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो हर कोई पसंद करता है कि हाँ ठीक है, इस बंदे के अंदर थोड़ा तो टैलेंट है, कुकिंग कर सकता है, कुछ बना सकता है। तो कुकिंग आई फील कि हम लोगों को ट्राई करना चाहिए। छोटी मोटी चीज़ ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ घर वाले चीज़ मत बनाने लगना यार, मतलब कुछ अलग सा ट्राई करो, कुछ अच्छे चीज़ें ट्राई करो, और ख़राब बनेगा भी तो कोई बात नहीं, मतलब प्रॉब्लम क्या है। नंबर 4, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है टॉक विथ योर फ्रेंड और फैमिली। ये सिचुएशन में सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मुश्किल समय चल रही है कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब कोई नहीं है और शायद हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, इस तरह का थॉट आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है अभी के सिचुएशन में। तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपने फैमिली के साथ तुम समय बिताओ और उन लोगों को बिल्कुल काम रखो कि नहीं कोई बात नहीं, हम लोग घर के अंदर है, सब कुछ सेफ है और सब कुछ सेफ्टी के साथ हो रहा है, तो कुछ ऐसा पैनिक वाला बात नहीं है। और कूल रखो हर किसी को इन्फ्लुएंस करो कि अच्छी चीज़ें करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि ये सारे चीज़
से ही हम लोग बाहर निकल पाएंगे। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल समय होता जा रहा है और इन चीज़ों से डील कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली के साथ समय बिताएं, फैमिली से बात करें, क्योंकि अगर आप फैमिली से बात करोगे तो शायद आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, लोग जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ सके और सब कुछ वापस से बेहतर हो सके। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फैमिली के साथ समय बिताएं। 5, और वो है आर्ट, मतलब कुछ अलग सा ट्राई करना। ड्राइंग, बचपन में हर किसी ने ड्राइंग की थी, हो सकता है उस समय आप अच्छा नहीं करते हो, पर शायद अगर अब भी आप ट्राई करो तो हो सकता है कि आप मजनू भाई की तरह पेंट कर पाओ। गो फॉर इट और ट्राई करो, कोई ड्राइंग बनाओ अच्छा सा, मतलब जिस तरह का भी क्रिएटिविटी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, गो फॉर इट और ड्राइंग करो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टॉक विथ योर फ्रेंड, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जो करीबी, उनसे हमेशा बात करते रहो, उनको छोड़ो मत अकेले, क्योंकि अगेन दोस्तों के बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है। मतलब फैमिली तो है साथ में, पर दोस्त से तो बात ही अलग होता है। तो दोस्तों से बात करो, और दोस्तों के साथ अगर तुमको मज़ा करना है ना तो गेम खेलो यार, स्टम्बल गाय, लूडो, फ्री फायर, ऐसे कई सारे गेम हैं जो आप दोस्तों के साथ खेल सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। वंस तुम गेम खेलना स्टार्ट करोगे, तुम्हारा समय एकदम बढ़िया तरीके से निकलेगा और ऑल इन ऑल तुम्हारा लॉकडाउन भी बेहतर तरीके से निकल जाएगा। तो चलो, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो, मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, बाय, और जल्द ही आऊँगा।